नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक हैं, तो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज मेष राशि अर्थात आपके अष्टम भाव को छोड़ेंगे और केतु महाराज आपके धन भाव से हटेंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बहुत बड़े बदलाव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु महाराज के मीन राशि में प्रवेश करने के पश्चात आने वाले 18 महीनों में राहु के कैसे फल आपको मिलने जा रहे हैं। यहां एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि जैसे ही 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज आपके अष्टम भाव को छोड़ेंगे, पिछले समय में जो 15-16 महीनों की गतिविधि आपके जीवन में बीती है और उसमें आपने बहुत भली भांति से अनुभूति की कि कोई मेरा पैर पकड़कर खड़ा है, किसी ने मेरे पैरों में बेड़ियां लगा रखी थी, वो तो इस तारीख से खुलने जा रही है। और कन्या राशि और कन्या लग्न की खूबी क्या है, ये इतनी दक्षता रखते हैं कि अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से और अपने चातुर्यमता से जीवन में सब कुछ हासिल करने की दक्षता इस राशि में होती है। इनको एक ही अवस्था हराती है और वो क्या है, पैरों में लगी बेड़ियां। ज्ञान है, बुद्धिमता है, चातुर्यमता है, आगे की प्लानिंग भी आपको पता है, किंतु यदि कोई आपका पैर पकड़कर खड़ा हो गया तो हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। और वही स्थिति में पैरों में लगी बेड़ियां आपकी 30 अक्टूबर 2023 से खुलने जा रही है। उसके पश्चात आपको सफल होने की स्थिति में कोई नहीं रोक पाएगा, किंतु यहां मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं, ना ही आपको झूठी सांत्वना देने आया हूं। जो सत्यता है उससे अवगत कराऊंगा और जब समस्या की स्थिति को समझेंगे तो ही समाधान आएगा। यहां राहु महाराज की स्थिति क्या है, तो ये मीन राशि में आए हैं और मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं, देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति खुद अभी पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं अष्टम भाव में आकर, तो यहां हमें राहु को डिक्रीज करना है, अन्यथा राहु इस स्थान पर बैठकर भी हमें वो फ्लो नहीं पकड़ने देगा जो हम जीवन में चाह रहे हैं। पैरों में से बेड़ियां तो हट रही है, पिछले समय में जो मानसिक तनाव आपका बना हुआ था, टेंशन डिप्रेशन बनी हुई थी, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां बनी हुई थी, बार बार आप 99 तक जा रहे थे, फिर वापस पीछे आ रहे थे, आपके डिसीजन गलत हो रहे थे, धन से संबंधित स्थितियों में परेशानी, फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे ये देखने को मिल रहे थे, ये तो सब रिमूव होंगे, किंतु इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज की स्थिति का योग अच्छा नहीं रहेगा। इसको कैसे डिक्रीज किया जाए ये भी आपको बताने जा रहा हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आप जो मैं रेमेडीज बताने जा रहा हूं इसे अच्छे से फॉलो करते हैं, राहु महाराज के शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको कहा था कि राहु और केतु इन दो में से एक ग्रह वो है जो आपको बेहद सुंदर लाभ देगा और एक ग्रह को हमें डिक्रीज करना होगा। तो जो बेहद सुंदर लाभ देने वाला ग्रह है वो आपके लिए साबित होगा केतु महाराज। केतु, मैंने आपको क्या बताया था पूर्व के कार्यक्रम में, यदि आपने ध्यान से सुना हो, कि राहु और केतु इन दोनों के पास इन 12 खानों में कोई घर नहीं होता, ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि पति की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यहां राहु मीन राशि में बैठे हैं, गुरु की तरह भी अगर कार्य करेंगे तो गुरु खुद अष्टम भाव में जाकर विराजित हो गए, किंतु दूसरी तरफ केतु महाराज कन्या राशि के अंदर बैठे हैं और कन्या का स्वामी कौन होता है, आपका लग्नेश बुध और बुध केतु का मित्र होता है। ऐसी स्थिति में केतु महाराज की स्थिति आपके व्यक्तित्व की अवस्थाओं को बहुत अच्छा करेगी, पंचम दृष्टि से आकस्मिक लाभ दिलाएगी, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को भी अच्छे फल देगी और भाग्य का साथ भी हमारे लिए निकाल कर देने वाली है। तो केतु की स्थिति तो यहाँ आपके लिए बड़ी अच्छी बन गई है, किंतु राहु को आपको डिक्रीज करना होता है ताकि इसके नकारात्मक दृष्टिकोण ना देखने को मिले, अन्यथा इस स्थान पर बैठा राहु ये दाम्पत्य जीवन में छोटे छोटे से प्रभावित योग देता है, ये जितनी अर्निंग हम डिजर्व करते हैं उन स्थितियों में रुकावट डालता है और मेहनत के अनुसार रिजल्ट की स्थिति को कमजोर करता है। और इस स्थिति का स्वामी कन्या राशि वाले जातक
अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता और अपने ज्ञान की दक्षता के दम पर आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। और इस अवस्था में यदि आपने राहु की स्थिति को डिक्रीज करके रखा तो केतु महाराज बहुत बड़े लाभ देंगे। और एक अवस्था और समझ लीजिए, यहां केतु की विशेषता क्या है, ये जब देने पर आता है ना तो इसके पास मस्तिष्क नहीं है, सिर्फ ये धड़ है। देने पर आता है तो देता ही जाता है, व्यक्ति को संभाले नहीं संभलता, किंतु उसमें रुकावट कौन करेगा, राहु। तो क्या करना है, जो आगे बढ़ाना चाहता है, हमें जीवन में हाथ पकड़कर आगे खींचना चाहता है, उसको हम मजबूत कर लें, और जो पैर पकड़ने की स्थिति बनाता है इसे हमने डिक्रीज कर लिया, तो हमें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या करना चाहिए ताकि राहु के आने वाले 18 महीने आपके लिए छोटी छोटी भी नकारात्मक दृष्टिकोण ना क्रिएट कर पाए। शाम के समय में रोजाना ओम रांग रहवे नमः, RANGरांग रहवे नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करना प्रारंभ कीजिए। राहु महाराज के लिए एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखोगे, इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। सेंधा नमक होता है डली वाला, जिसके छोटे छोटे डली होती है, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। हर एक महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हो, इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। एक छोटा सा प्रयोजन और बताता हूं, करके देखिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण क्षण मात्र भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हमारे घर में जो सूखा आटा होता है, 150 ग्राम सूखा आटा, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर मिलाकर कागज की पुड़िया बनाकर रात्रि काल में इसे अपने साइड टेबल पर रखें, जहां आप सोते हैं, जहां हम पानी की बोतल रखते हैं, गद्दे के नीचे, बेड के नीचे नहीं रखना है, साइड टेबल सिराने के पास में रखेंगे। सुबह के समय में नहाने से पहले, नहाने के बाद जब भी संभवत रहता है, घर से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो वहां आप इसे डालना चालू कीजिए। राहु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को हटाने का बहुत सटीक उपाय है ये। और शास्त्र कहता है कि जब वो आटा आप किसी भी पेड़ के पास डालोगे, उसे चींटियां खाती है, तो एक तरफ एक चींटी का पेट भरना एक पुरुष के पेट भरने जितना पुण्य आपको देता है। तो जहां एक तरफ आप पुण्य प्राप्त कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को समाप्त कर रहे हो। इसमें और अच्छी स्थिति चाह रहे हो तो शनिवार के दिन या रविवार के दिन, महीने में चाहे एक ही बार करो, 2 बैंगन जिसकी आप सब्जी बनाते हो और थोड़ी सी राई, ब्लैक कलर वाले जो दाने होते हैं राई, जिसे आप सब्जी में डालते हो, उसका थोड़ा सा मात्रा लेकर आसपास में कोई शिवजी का मंदिर हो, यहां पर यदि आप इसे चढ़ाना चालू करते हो, ये राहु के कलर, धूम्र कलर को रिप्रेजेंट करने वाली स्थिति है, और महादेव के चरणों में इसे अर्पित करने से राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण आपको शून्य मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाते। एक अवस्था का और ध्यान रखिएगा, हमारे घर में जितनी ज्यादा साफ सुथरी अवस्था रहेगी, पंखों के ऊपर जो धूल जम जाती है, आपकी अलमीराज के ऊपर जो धूल जम जाती है, आपके आले दीवालों में जो धूल जम जाती है, आपके घर में जो जाले लगते हैं, यही होता है राहु का स्थान। और यदि आप बहुत अच्छे से पंखों को क्लीन रखते हो, अलमीराज के ऊपर की स्थिति को बहुत साफ रखते हो, आले दीवाले बहुत साफ रखते हो, जाले नहीं रखते हो, घर में फिजूल का कूड़ा कटकट नहीं रखते हो, यहां राहु घर में आपको ढूंढता ही रह जाएगा कि मैं बैठू तो बैठू कहां, इसको स्थान ही नहीं मिल पाएगा। आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं ना, ये भी राहु का स्थान है। अगर कोई प्रोडक्ट खराब है या आगामी समय में खराब होता है, इसे तुरंत रूप से चुस्त दुरुस्त कराइएगा। अगर कोई खराब प्रोडक्ट है, वो यूज का नहीं है, तो इसे घर में मत रखिएगा, इसे तुरंत रूप से बाहर कीजिएगा। बंद घड़ियां आपको घर में नहीं रखनी है। साथ ही आपके बाथरूम में जो बाल्टी होती है नहाने वाली, इसको उल्टा मार कर रखना या फिर खाली रखना, ये भी राहु का स्थान होता है। सदैव बाथरूम की बाल्टी के अंदर थोड़ा ही सही, किंतु पानी जरूर से भर कर रखिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं मित्रों, इसको करके देखिए,
आपके लिए राहु महाराज क्षण मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं क्रिएट कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ केतु महाराज की स्थिति को पुष्ट करने के लिए ओम केतवे नमः का जाप करना और रोजाना गणेश चालीसा का पाठ करो या सुनो, गणपति अथर्वशीष या गणेश चालीसा का पाठ। यहां से केतु महाराज बड़े शुद्ध फल देंगे आपको, और राहु महाराज के जो उपाय मैंने आपको बताए हैं इनको करके देखो, एक अवस्था समझो। कन्या राशि को और कन्या लग्न वाले जातकों को शास्त्र कहता है इनके जीवन में इनको एक ही स्थिति हरा सकती है, और वो है इनके पैर पकड़कर कोई खड़ा हो जाए। अन्यथा तो ये अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्यमत्ता और ज्ञान की दक्षता के दम पर बहुत ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। और जब हमारे शास्त्र के अंदर पैर छुटाने के उपाय हैं तो क्यों ना उनको कर जीवन का आनंद लिया जाए, क्योंकि ये जो सुखद जीवन मनुष्य योनि में हमें प्राप्त हुआ है ये बार बार नहीं मिलता। इस स्थिति को जितना अच्छे से आप फॉलो करोगे उतने अच्छे श्रेष्ठ कारक स्वरूप में आपको लाभ निकल कर आते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर के पास जाने से आज तक कोई ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर जो दवा देता है उससे व्यक्ति ठीक होता है। और ये जो मैंने आपको राहु से संबंधित उपाय बताए हैं ये राहु को नकारात्मक प्रभाव से दूर करने की रेमेडीज हैं, दवा है। जितना प्रॉपर सिस्टम में इस दवा की अवस्था को आप अपने जीवन में उतारोगे उतनी ही सफलता के योग आने वाले 18 महीनों में आपके सामने ना निकल कर आए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।